अस्सलामुअलैकुम अज़ीज़ नासरीन, आप तमाम का 90S न्यूज़ में इस्तकबाल है। मल्लेपल्ली के इलाके में एक जालिम बहू ने अपने ज़ईफ सास ससुर पर कर दिया जानलेवा हमला, जिसमें वो शदीद तौर पर ज़ख्मी हो गए। ज़ख्मी सास ससुर ने मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर व हैदराबाद रुकन पार्लियामेंट जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी से मदद की गुजारिश की, जिस पर मजलिस सदर की हिदायत पर नामपल्ली MLA जाफर हुसैन मेराज, विजयनगर कॉलोनी कॉरपोरेटर डॉक्टर शेख कासिम ने मुतासरीन से घर पहुँच कर मुलाकात करते हुए उन्हें तहखुन दिलवाया कि उनकी भरपूर मदद की जाएगी और जालिम बहू पर भी एक स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाएगा। आइए देखते हैं इस मौके के चंद मनाज़िर 90S न्यूज़ के साथ। मज़ीद ताज़ा तरीन खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। करके तो मैं लाइट बंद है, मैंने मैं क्यों क्या करी, उन्हें कुछ प्रॉब्लम देते हुए तो मैं क्या करी, हॉल का दरवाज़ा खोली, खोलते रॉडा लेके खड़े रहे, रॉड लेके खड़े रहे, उनकी अम्मा, वो बच्ची, उनका बेटा और उनके है ना उनकी खाला और है ना 12-13 साल के बच्चियाँ सब रॉडा लेके खड़े रहे। अब मैं उनकी वैसा दरवाज़ा ढकल रही, मैं बुढ़ी औरत ऐसा ढकल था कि मेरे को फाइट मारा मारते, मैं इधर भाग के आ गए दिल्ली में मारते भाग के आ गए। अब मैं तुम्हारे को जान से मार देते, हम 10 दिन में छूट जाते, जान से मार देते हम तुम्हारे को, जान से मार देते हम, छोड़ दो पैरों पड़ने का, मैं बोली मेरे को छोड़ दो, मेरे को छोड़ दो। एक जने ये संभालने जैसे मुंडी यूँ कर दिए, फिर एक जने है ना यहाँ पर रॉडों से मार रहे हैं, वो बच्चा है ना फाइटा मुँह पर मारते जा रहा छोटे पैर पड़ वो क्या बोलते हैं मुंडी कहीं को पड़ूंगी, पैर पड़ मुझे ज़बरदस्ती में से है ना जैसे पिक्चरों में बताता है ऐसा कुबला रहे मेरे को, तो बोल इनको पैर पर, इनके पैर पर बयान ही तल्ला हम लोग देखे। एक साल हो गया इधर वो खजा के दफ्तर में इनके ना सर्टिफिकेट हम लोग ले दे दिए ना, पूरा से छापा मार के दे दिए, महर के पैसे इज्जत के पैसे वहाँ उनको जमा करा दिया, बाहर से बच्चा है ना तल्ला दे दिया, एक्सेप्ट भी कर लिया ना, एक्सेप्ट कर लिया ना, एक्सेप्ट भी कर लेते हैं। अब यहाँ पर बैठे हुए अब हमको गवर्नर बैठने की मेरी जगह नहीं छोड़ रहे, पैसे दो मैं जाती हूँ बोलते जा रहे हैं। पूरे जने एक साथ अटैक कर रहे, तो मेरे पास एक गोश वाला आया तो मैं क्या करी, उनके हाथों में से छुट के लंगे पैर ओढ़नी तक नहीं है, चप्पल पहनने का तो मौका दी तो मार देंगे, कमरों कपड़ा घुसरवा बच्चा नड़ रहा, मैं बोली मेरी सांस रुक रही, नक्को छोड़ो नहीं माँ कुछ भी हो जाता, छोड़ दे भुक्की मारते देते हम, छोड़ दो आसिफा, छोड़ दो आसिफा, छोड़ दो अयास, छोड़ दो अयास, छोड़ दो, छोड़ दो उस्मा मेरे को छोड़ दो, बोले तो इधर से बेल्टों से उधर से जिससे बोले से मैं मारना जा रही थी, मैं भी तो इनको भी उधर बैठे हुए उनको पैरालाइज अटैक, कटने के बावजूद फिर उन्होंने उनको बुला के पुलिस वाले गुस्सा करे, अरेस्ट नहीं करे, पुलिस वाले बुला के गुस्सा करे, फिर हमारे संगत आके ऊपर रह गए, फिर हमारे संगत को जो जीते जने अटैक करे अब मौजूद है, अब फिर धमकियां दे रहे, अच्छा तू ऐसा करी ना तुम्हें कहीं ना पुलिस में गई ना, अब मैं तेरे को छोड़ दी क्या देख लेना, अब मैं तेरे को छोड़ दी क्या देख लेना। मेरा नाम तस्नीम सुल्ताना है, मेरी बहू है मगर उसको तलाक दे चुके हम लगा, उन्हें एक साल से यहाँ पर रह के मेरे पर इतना जुल्म कर रही, बेइंतहाई जुल्म कर रही, हमेशा मार रही रॉडों से हथियारों से आके मार रही, हम लोग को बहुत जुल्म कर रही। परसों इतवार के दिन भी है ना कैमरे बंद करके 4-8-10 जनों को ले लेके आके मेरे को बहुत है ना मारे, मेरे मियाँ को, मेरे को हम ना सीनियर सिटीज़न है, मेरे मियाँ 75 ईयर्स के है, पैरालाइज अटैक है उन्होंने, मेरे को भी रॉडों से मारे, मेरे को है ना मैं पुलिस कहने गई थी, मैं पुलिस कहने गई मगर उनको बुला के गुस्सा करे, फिर उसके बाद उन्होंने आके है ना केस दर्ज कर दिया, FIR भी कट गया, मगर फिर भी उसके बावजूद भी फिर मेरे घर में रह रहे हो ना, फिर मेरा चेहरा पूरा मेरी पूरे इंजरीज कर दिया, मेरी पूरी बॉडी आँखा मेरे फोड़ दिए, उनका बेटा अयास बोल के नाम है, उज़्मा बोल के नाम है, आसिफा बोल के उनकी अम्मा का नाम है, और है ना उसका खाला आई, फिर बच्चे है नोफा बोल के बच्ची है 13-14 साल की बच्ची है, बच्चा है, सब बच्चे 8-10 जने मिल के मेरे को रॉडों से मार रहे थे, प्लानिंग के साथ आके मेरे पर जुल्म कर रहे, ये अब से नहीं चल रहा, ये 1-2 साल से जुल्म चल रहा मेरे ऊपर, बेइंतहाई जुल्म कर रहे बेटे। गई थी
अच्छे इंसान है उन्हों, अल्लाह उनको अच्छा रखो। हमारे कॉपरेटर साहब भी हमारे पास आए, उन्होंने भी मेरे को बहुत कॉपरेट कर रहे हैं मेरे को बहुत दिली खुशी होंगी। मेरे को ज़रूर इंसाफ मिलेगा, ज़रूर इंसाफ मिलेगा। हम सीनियर सिटीज़नों का ज़रूर इंसाफ मिलेगा। हमारे संगत अल्लाह है, हमारे संगत हर कोई है। अल्लाह उन्हों जितना जुल्म कर रहे अल्लाह उनको ज़रूर बताएंगा। उन्हों समझ रहे कोई नहीं है हमारे साथ, ज़रूर है हमारे साथ। अल्लाह है, कॉपरेटर है, असद है, असद बेटे है, कॉपरेटर बेटे है हमारे संगत। MLA साहब भी है हमारे संगत, जाफर हुसैन हमारे संगत, उन्हों भी है, उन्होंने करे मेरे को।